बाल विकास केंद्र में नहीं बांटा जा रहा THR, महीनों तक पड़ा रहता है महिला बाल विकास केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को दिए जाने वाला पूरक पोषण आहार, जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद बताया जाता है। जच्चा और बच्चा दोनों के लिए ही इसका वास्तविक रूप में वितरण किया जाना चाहिए, लेकिन बमोरी ब्लॉक में कपासी सेंटर के तहत सरखेड़ा महिला बाल विकास केंद्र में एक्सपायरी डेट का पूरक पोषण आहार के पैकेट मिले हैं। बमोरी ब्लॉक के कपासी सेक्टर के तहत सरखेड़ा महिला बाल विकास केंद्र में एक्सपायरी डेट का पूरक पोषण आहार के पैकेट मिले। 2 कट्टे सील पैक मिले जो कि एक्सपायर हो चुके थे। इन्हें देखकर लगता है जैसे महिला बाल विकास केंद्र द्वारा महज वितरण कागजों में ही किया जा रहा है। धरातल पर इसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। सारी बात मतलब हम आपकी माने, आप सारी जो कि आपने कब से नहीं बांटा है आप बताएं। नहीं, इसको नहीं बांटा, ये तो रखा हो तो नहीं। क्यों रखा है ये? रखा आप बताएं ना, क्यों रखा है बताएं। वो तो बच्चे नहीं लेगा ना जिससे लेगी। तो इसका मतलब आप इसको एक्सपायरी डेट ही अगर बांटती तो आप इसको ऐसे ही बांटती ना? नहीं बांटते ही आपके एक्सपायरी हो चुका है। आप जवाब दीजिए। नहीं दिया ना उसको, रखा क्यों है आप ये बताएं, स्टॉक में ये रखा क्यों? आपकी जवाबदारी बनती है इसको देना। फिर सर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरक पोषण आहार खिचड़ी प्रीमिक्स, जो ये चीज है जो जो बहन जी ने आंगनबाड़ी में रख रखा है, ये एक्सपायर हो चुका है, लेकिन इसको आज दिनांक तक इसको बांटा नहीं गया है। ये देखिए आप, और इस पे लिखा भी हुआ है शुद्ध वजन ग्राम 100, उत्पादन दिनांक से 3 माह तक उत्तम है, उसके बाद एक्सपायरी डेट माना जाता है। आप ये बताएं 4-4 महीने तक ये खिचड़ी और जो सामग्री है दी नहीं जा रही है, क्यों नहीं दी जा रही है? नहीं वो तो दे देते ना, वो तो नहीं, नहीं आपके तो पास में स्टॉक मौजूद है, कैसे दे? अभी स्टॉक के बाद में भी आपके पास एक्सपायरी मिला है। बताएं आप क्यों नहीं दिया गया है? इसकी डेट पूरी हो रही थी जिसने नहीं दिया इसको तो। आपको तो पता भी नहीं है, तो पैक थे आपको तो पता। अभी आपके सामने आपको तो यही पता नहीं कि डेट कहाँ से पूरी हो रही थी, आपके सामने निकाला नहीं। हाँ जी, और आपने खुद ने निकाला पैकिंग में से भी। जागरण से ग्राउंड रिपोर्टर जालम किरार की रिपोर्ट।